नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो देखिए, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस का मैच, ये मैच नहीं था, ये मेरी इज्जत थी, जो कि मेरी इज्जत, पूरी इज्जत मैंने दाव पे लगा दी थी कल के दिन। 18 घंटे पहले बोल कर गया था आप सबसे कि मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस का जो मैच है, डंकी की चोट पे मुंबई इंडियंस जीतेगा। जो भी हो, जैसा भी हो, कितना भी आपको प्रॉफिट करना हो कर लेना, जो कि जीती अपनी टीम मुंबई इंडियंस जीती। अब जो भाई देखो वीडियो अब देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत रखते हो तो मैंने सिर्फ इतना बोला था नाइट में आपसे कि अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने का, आपको तब करना सब्सक्राइब जब मुंबई इंडियंस जीते, जब मैं अपना काम कर दूं 101%, जो कि मैंने आपको अपना काम कर दिया है 101%। अपनी टीम बोली है डंके की चोट पे 18 घंटे पहले बोल कर गया था जीतेगी, तो मतलब जीतेगी। अगर नहीं जीतती तो भाई आप लोगों को मुंह नहीं दिखा पाता मैं, जब तक आईपीएल चलता आईपीएल ही स्किप कर देता। अगर आप लोगों में इंसानियत है तो अभी भी देखो, टेलीग्राम का चैनल है जो कि ऑलराउंडर फैमिली के नाम से दिख रहा होगा आपको हमारा चैनल, तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं लगते। 50 चैनल आपने अपने फ़ोन में सब्सक्राइब कर रखे हैं, ये मुझे पता है। कितने सारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करते हो, कितने सारे चैनल्स की प्रेडिक्शन को फॉलो करते हो, ये मुझे पता है। और लास्ट में आपके साथ होता क्या है, लॉस होता है। आप एक लोग को फॉलो करोगे वो मुंबई बोलेगा, दूसरे लोग को फॉलो करोगे तो गुजरात बोलेगा, कोई फॉलो करोगे तो कुछ बोलेगा। तो भाई ये एक ही टीम जीतनी है, 10 टीमें नहीं खेलेंगी एक ही बार में, 2 टीमें खेलती हैं, 2 में से एक जीतनी है। और 10 लोगों को फॉलो करोगे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो कन्फ्यूजन की वजह से आपका उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पैसा नहीं लगता, जो बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ, कभी भी कोई भी गलत चीज़ नहीं बोलता, कोई भी किसी से कभी भी पैसे नहीं लेता। तो चैनल दिख रहा है ऑलराउंडर फैमिली के नाम से, अभी फटाफट ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बस इतना करना है, पैसे नहीं लगते। और दूसरी बात मैं बताऊंगा आप लोगों को कल के मैच की, जो कि अपनी टीम मुंबई इंडियंस थी जो कि जीती। अब जो कल है सैटरडे का दिन है, और सैटरडे के दिन आपको भी पता है डबल हेडर होने वाले हैं, और हो सकता है कि ये सेकंड लास्ट डबल हेडर हो सकता है ये, क्योंकि आईपीएल अब देखो ख़त्म होने की स्टेज पे है। अब जितना माल आपको अंदर करना है कर लो, अब मत देर करो, अब ये मत सोचो कि अब नहीं तो कल सही तो परसों सही। कल और परसों में देखो सारी चीज़ों को छोड़ो, और जो कल डबल हेडर मैचेस हैं, 3:30 बजे खेला जाएगा और 7:30 बजे खेला जाएगा। पहला मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, मैच नंबर 58 आईपीएल का, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पर अगर मैच नंबर 59 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के साथ में खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। तो दोनों मुकाबले काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो वहीं पर मैं दिल्ली और हैदराबाद की बात करूं तो इन दोनों टीमों के पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इनका सफ़र ख़त्म हो चुका है। तो ये देखो टीमें दूसरों का ख़राब कर सकती हैं, दूसरों के ख़राब करने से मतलब लखनऊ का रास्ता ख़राब कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, और वहीं पर पंजाब के जो भी चांसेस बचे हैं बचे कुचे वो ख़राब कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अच्छे मुकाबले हो सकते हैं, जब टीमों के पास कुछ बचता नहीं है खोने के लिए तो वो टीमें काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। तो पहले मुकाबले की अगर हम बात करें तो पहला मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स फेवरेट नज़र आ रही है 92-93 पैसे फेवरेट नज़र आ रही है लखनऊ की टीम। तो वहीं पर अगर हम दूसरे मुकाबले में बात करें तो 90-91 पैसे फेवरेट नज़र आ रही है पंजाब किंग्स। तो पहले मुकाबले का विनर मैं देकर जा रहा हूँ आप सबको, देखो अभी विनर देकर जा रहा हूँ, जो कि मैंने कल 18 घंटे पहले मुंबई इंडियंस को दिया था उसकी बात अलग थी, और ये विनर देकर जाऊंगा, इसमें 50-50 चांसेस हो सकते हैं। अभी का मतलब 2:16 पे नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, और मैच कब होना है 3:30 बजे, तो अभी बहुत टाइम है, कोई भी अपडेट चेंज हो सकती है। और आपको भी पता है कि केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं, केएल राहुल इस मैच में नहीं खेलेंगे। केएल राहुल इसलिए नहीं खेलेंगे, इंजर्ड हैं, बहुत सारी रीजंस हैं क्योंकि वो इस मैच में नहीं खेल पाएंगे, और कैप्टन थे, इसलिए एक कैप्टन अपनी टीम से जब बाहर बैठ जाता है तो पूरी टीम का बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सबसे कि 18 घंटे पहले टीम देना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जो कि मैंने कल आपको दिया वो तो 101% मेरे जेब में था मुंबई इंडियंस, इसलिए दे दिया। उसमें मेरी वो पत्थर की लकीर थी, उस लकीर को कोई भी नहीं मिटा सकता। लेकिन ये वाले मैचेस की मैं इसलिए हमको 100% सुपर से और नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें थोड़े कंक्लूजन हैं। अभी जो मैं आपको थोड़ा हिंट देकर जा रहा हूँ इन दोनों मैचों की, जो कि पहला मैच राजीव गांधी
इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा 13 मई 2023 को 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। रेट आप देख सकते हो 92-93 पैसे। तो इस मैच का जो विनर हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स हो सकता है। तो ये तो पहली टीम का विनर हो गया। और दूसरी टीम की विनर की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स का मैच है। अगर मैं विनिंग परसेंटेज की बात करूं तो 36% चांसेस नज़र आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के और 64% चांसेस नज़र आ रहे हैं पंजाब किंग्स के। हेड टू हेड देखें तो भैया पिछले 10 मुकाबले खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, तो 6 बार जीती है दिल्ली कैपिटल्स और 4 बार ही जीत पाई है पंजाब किंग्स की टीम। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि थोड़ा सा पड़ला भारी नज़र आता है दिल्ली कैपिटल्स का जब जब पंजाब के साथ खेलती है। तो भाई इस मैच का विनर मैं अभी नहीं दे सकता आपको, इस मैच का विनर इसलिए नहीं दे सकता, अभी मेरे पास 25% भी अभी पता नहीं है इस मैच में क्या हो सकता है। दिल्ली कैपिटल्स भी बाजी मार सकती है, अंडर एस्टिमेट मत कर देना। पंजाब के जो भी चांसेस बचे हैं वो खत्म कर सकती है कल दिल्ली कैपिटल्स की टीम। इतना बोल रहा हूँ कि अंडर एस्टिमेट मत कर देना दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स बेशक चेन्नई सुपर किंग्स से हार कर आई है, लेकिन एक डेंजरस टीम है, एक खतरनाक टीम है, एक खूंखार टीम है दिल्ली कैपिटल्स। तो सिर्फ इतना बोलकर जा रहा हूँ कि एक टीम की प्रेडिक्शन मैंने आपको शेयर की है, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद वाले मैच की जो विनर हो सकता है वो लखनऊ सुपर जायंट्स हो सकता है। वहीं पर अगर हम दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स की बात करें तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, आप सीधे सिंपल सी बात बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, जो कि 7:30 बजे मेरी और आपकी मुलाकात होगी मेरे ही टेलीग्राम चैनल पर। जो भी होगा जैसा भी होगा एंट्री के साथ मैच कराएंगे, और एंट्री के साथ मैच कराना बड़ा अच्छा लगता है आपको भी मेरे को भी। जो जहां जहां जैसा जैसा होगा मैच में वैसे वैसे आपको बताता चलूंगा। तो ये ऑलराउंडर फैमिली के नाम से जो चैनल दिख रहा होगा टेलीग्राम का चैनल है, आपको भी पता है यूट्यूब पे देखो बोलकर जाना और टेलीग्राम पे काम करा कर देना, जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि टेलीग्राम पे अगर बाई चांस प्लेयर को छींक भी आती है तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि भैया प्लेयर को छींक आ गई, प्लेयर का कैच हो गया, प्लेयर आउट होने वाला है, अब इतना ये होने वाला है, अब छक्का आने वाला है। तो ये सब चीज़ें पल पल में, मिनट मिनट की चीज़ें मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, और लेकिन यही सब चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर नहीं कर सकता शेयर। क्योंकि देखो यूट्यूब पर प्रॉपर तरीके से वीडियो को बनाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, ये सब प्रोसेस करूँगा तो देखो मैच ख़त्म हो जाएगा, आपको भी पता है। और आपको भी पता है 2020 का फॉर्मेट है काफ़ी जल्दबाजी वाला फॉर्मेट है, यहाँ पर पल पल में बहुत सारे मूवमेंट्स बदल जाते हैं। तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए ऑलराउंडर फैमिली, जैसे ही आप सर्च करते हैं हमारा चैनल आ जाएगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिलता तो सीधे सिंपल से आप जहां मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उसके नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां जाना, लिंक पर क्लिक करना, जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे आप हमारे चैनल पर आ जाओगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, आज वाला मैच भी हमने टेलीग्राम चैनल पर ही कराया था, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटन्स का, जो भी था जैसा भी था पूरा का पूरा मैच टेलीग्राम पर कराया था। तो ये चैनल अपने जहन में डाल लो ऑलराउंडर फैमिली, सर्च कर लेना, सर्च करने से नहीं आता तो लिंक पे जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। सिर्फ इतना बोलकर जा रहा हूँ आप सबसे, काफ़ी अच्छे मैचेस, 2 मैचेस अच्छे होने वाले हैं, तो कैश कर लो मेरे भाई सभी, आज आपका प्रॉफिट हुआ है और वादा करता हूँ कल भी आपका प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं 7:30 बजे इन दोनों मैचेस में, पहले मैच में मुलाकात होगी 3:30 बजे और दूसरे मैच में मुलाकात होगी 7:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ 3:30 और 7:30।